अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं firstbite.tv। हाथरस एक बार फिर सुर्खियों में है। यहाँ से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर चार दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक शख्स की जान ले ली। दबंगों द्वारा की गई ताबड़तोड़ फायरिंग से खेत में काम कर रहे मजदूरों में भगदड़ मच गई। वहीं इस वारदात की जानकारी मिलने के बाद थाना पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे एसपी विनीत जायसवाल ने मौके का मुआयना करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दरअसल मृतक पिता ने 16 जुलाई 2018 को मुख्य आरोपी गौरव के विरुद्ध घर में घुसकर छेड़खानी करने के आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में गौरव 15 दिनों तक जेल में रहा था। इसका मुकदमा अभी भी गौरव पर चल रहा है। वहीं जेल से आने के बाद से ही गौरव मुकदमा वापस लेने के लिए युवक पर दबाव बना रहा था। उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया था, इसे गौरव उनसे रंजिश मानता था। वहीं परिवार का कहना है कि पिता अपने खेतों में मजदूरों से आलू की खुदाई करा रहे थे। दोपहर में उनकी पत्नी अपनी पुत्री प्रियंका और पारुल के साथ उनको खाना देने के लिए खेत पर गई थी। इसी दौरान आरोपी गौरव अपने दो साथियों के साथ सफेद रंग की गाड़ी में आया और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों से घायल होकर तो वो वहीं गिर गया। इससे वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। योगी सरकार ने भी इस पर एक्शन लेते हुए आरोपियों पर NSA लगाने का आदेश दिया है और अधिकारियों को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए firstbite.tv और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।